उदाहरण इस प्रकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो प्रश्न इस प्रकार है कि हमें एक गाउसी यात्रिक चर दिया हुआ है, जिसको कि एक्स से हमने इंगित किया है, जिसका कि औसत म्यू और विचरण सिग्मा घात 2 है। और तब हम एक नए यात्रिक चर, जिसको कि हमने वाई से इंगित किया है, जो कि होता है ई के घात एक्स। एक्स जो है वो गाउसी यात्रिक चर है, जिसको कि हमने पूर्व पद में व्याख्या की है। इस तरह के संबंध को एक लघुगणक प्रासामान्य चर कहा जाता है, आंग्ल भाषा में लॉग नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या लघुगण प्रासामान्य यादृच्छिक चर कहा जाता है, प्राचालों म्यू और सिग्मा घात 2 के साथ, जहां म्यू और सिग्मा का मान आपको ज्ञात ही है कि वह औसत और विचरण का है, या गाउसी यादृच्छिक चर का। तो इस प्रकार का यादृच्छिक चर जो वाई है, वो लघुगणक प्रासामान्य होता है यदि अगर हम लघुगणक ले लें इस यादृच्छिक चर का, तो वह एक प्रासामान्य चर होगा। चूँकि आप देख सकते हैं संबंध को, ये e के घात एक्स है, और यहाँ पे अगर हम इसे लाप, जिसका कि आधार जो है वो e है, अगर हम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें वो एक x देगा। x हमने पहले ही बता रखा है कि वह एक प्रासामान्य चर है। गाउसी चर और प्रासामान्य चर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि यादृच्छिक चर y का प्रायिकता घनत्व फल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम कुछ और संबंध का इस्तेमाल करेंगे, परंतु उस संबंध की व्याख्या करने से पहले हम यह व्याख्या करें कि यह लघुगणक प्रासामान्य यादृच्छिक चर क्या होता है। तो आइए पहले इसकी व्याख्या करें और देखें कि ऐसा यादृच्छिक चर किस प्रयोग में आता है। अगर आप यह सोचें कि हमारे कोई एक प्रतिभूति, जिसको कि आंग्ल भाषा में सिक्योरिटी कहते हैं, स्टॉक, या जिसका कि मूल्य प्रतिदिन बाजार के और अन्य प्रभावों के हिसाब से बदलता रहता है, तो अगर किसी प्रतिभूति के 2 लगातार दिन के मूल्य अगर हमें पता हैं, जो कि हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, तो ऐसे वो भी प्रतीत होते हैं कि यह सब एक यादृच्छिक प्रक्रिया के साथ उनका मान बढ़ रहा है। सो अगर ऐसे 2 मूल्यों का अगर अनुपात हम निकालें, तो वो अनुपात को अक्सर लघुगणक प्रासामान्य यादृच्छिक चर के रूप में निरूपित किया जा सकता है, और अतः लघुगणक प्रासामान्य वितरण का इस्तेमाल प्रायः किसी एक प्रतिभूति के लगातार 2 दिनों के मूल्य के अनुपात के वितरण के रूप में किया जाता है। तो यह तो व्याख्या हुई कि यह लघुगणक प्रासामान्य किसका कार्य में आता है साधारणता। आइए अब इसकी कुछ और व्याख्या करें, जिससे कि हम इसके संबंधों का इस्तेमाल करते हुए इससे संबंधित प्रायिकता निकालनी है ऐसे के साथ, वो कैसे गणना करेंगे। तो इसकी और विस्तृत व्याख्या यह है, मानिए कि किसी प्रतिभूति का मूल्य nवे दिन की समाप्ति पर अगर Sn से दर्शाया जाता है या इंगित किया जाता है, तब Sn-1 मूल्य होगा उस प्रतिभूति का 1 दिन पहले। तो अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें, Sn भागा Sn-1, तो यह एक लघुगणक प्रासामान्य चर होगा। इसका आशय यह है कि अगर हम इस अनुपात का लघुगणक लें, तो हमें एक प्राप्त होगा नया चर। उस चर को अगर हम x से इंगित करते हैं, तो वह चर एक प्रासामान्य चर होगा। तो यह इसका नियम है कि क्यों इस को हम बोलते हैं कि लघुगणक प्रासामान्य चर, क्योंकि अगर हम लघुगणक ले लेंगे, तो वह जो प्राप्त होगा लघुगणक के प्रत्यय, वह चर जो होगा वो प्रासामान्य होगा। लेकिन जो ये लघुगणक प्रासामान्य होता है, वह होता है ई के घात एक प्रासामान्य चर, जैसा कि हमने पिछले पटल पे आपको दिखाया ही है। तो इसकी अन्य और व्याख्या करने पर हम देखते हैं कि माना कि यह अनुपात एक लघुगणक प्रासामान्य चर है, इसको हम समरूप रूप से इंगित कर सकते हैं कि किसी प्रतिभूति का nवे दिन का मूल्य उसके पिछले, जो कि n-1 दिन के मूल, जो Sn-1 मूल्य है, को e के घात x से गुणित करके
प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आ गया कि हमने यह संबंध निकाला किस काम के लिए। और आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स होगा वह एक प्रासामान्य यादृच्छिक चर या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा आंग्ल भाषा में, जिसका कि प्रायिकता घनत्वफल प्राचलों म्यू और सिग्मा घातों के साथ दिए जाते हैं। और इसका मान आपने पहले भी देखा था पुनरावलोकन में, मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कि यह घनत्वफल दिया होगा इन दोनों प्राचल के संबंध में। आप देख सकते हैं उसका फलन आपके सामने है। तो आइए अब हम गणना करें इच्छित प्रायिकता फलन की। तो इस गणना के लिए हम एक प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो प्रमेय इस प्रकार है, जैसा कि हमने असतत यादृच्छिक चर में भी इस तरह के प्रमेय का इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ पर जो वितरण फलन है वह अवकलन के योग्य नहीं होता है क्योंकि वह असतत है, लेकिन यहाँ पर अवकलन है। तो इस माध्यम से हम बड़ी आसानी से किसी भी यादृच्छिक चर के प्रतिरूपण का गणना आसानी से कर सकते हैं, अगर हम उस फलन के प्रतिलोम फलन की गणना कर लें। आइए मैं आपके सामने उस प्रमेय को प्रस्तुत करूं। तो यादृच्छिक चर के फलन के वितरण के संबंध में एक प्रमेय है। यदि हमें कोई संबंध दिया है ऐसा कि y बराबर है जी एक्स, जो कि एक x का एक फलन है, जी एक फलन को इंगित कर रहा है, तो y एक x का एक फलन है। अगर यहाँ पे इस संबंध में अगर हम यादृच्छिक चर से परिवर्तित कर दें तो अब ये दिखा रहा है कि यादृच्छिक चर y बराबर है किसी फलन के एक दूसरे यादृच्छिक चर x के। तो इस दशा में इन दोनों के नए यादृच्छिक चरों के या इन दोनों यादृच्छिक चर x और y के वितरण फलन और घनत्व फलन में क्या संबंध होगा, इसकी व्याख्या निम्न की गई है कि y यादृच्छिक चर का वितरण फलन दिया जा सकता है दूसरे यादृच्छिक चर x के वितरण फलन से, अगर हम x की जगह वह सारे मान रख दें जो y के मान के अनुरूप होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह मान हम कैसे निकाल सकते हैं, चूँकि x से y जाने में हमने एक फलन का इस्तेमाल किया जिसको कि हमने g से इंगित किया है, तो ऐसा फलन जो y के मान को x पे लाता है उसको हम कहते हैं प्रतिलोम घनत्व या आंग्ल भाषा में इनवर्स फंक्शन। सो यहाँ पर g के घात ऋण एक बताता है वह प्रतिलोम फलन को जो कि y के मानों को x पे ला देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रतिलोम फलन हमने पूर्व के उदाहरण में बहुत आसानी से जिसमें देखा था, जिसमें कि वह एक भागा दो था, इसीलिए हमने जब एक y बराबर दो x के एक फलन के लिए एक उदाहरण को किया था तो वहाँ पे यह संबंध जो है जो आया था एक बटा दो के रूप में, तो वह बहुत सरलीकृत था, लेकिन यह चीज़ को हम किसी भी साधारण संबंध के साथ भी गणना कर सकते हैं। जहाँ तक इस प्रायिकता द्रव्यमान फलन का है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे होगा। जो नया यादृच्छिक चर y है उसका द्रव्यमान फलन पूर्व दूसरे यादृच्छिक चर x के द्रव्यमान फलन के बराबर होगा अगर हम वहाँ पे x का वो मान रखें जो y के मानों के अनुरूप हो, यानी कि प्रतिलोम फलन के माध्यम से हम y के सारे मानों को x के उन मानों को कर दें जो कि उसके समरूप हैं, तो वो दोनों फलन बराबर होते हैं। लेकिन साथ में सारे फलन ऐसे नहीं होंगे जो कि जिनका कि अवकलन जो है वह स्थिरांक आए, तो इन पूर्व दशा में वह एक स्थिरांक था इसलिए हमने नहीं, तो साधारणतः हमको इस प्रतिलोम फलन का अवकलन भी करना पड़ेगा और जो अवकलन का मान हमेशा स्थिरांक नहीं आएगा। अतः एक साधारण संबंध यह होता है कि हम अवकलन से इस संबंध को गुणित कर दें तो हमें दोनों घनत्व फलन के दोनों यादृच्छिक चरों के घनत्व फलन में संबंध प्राप्त हो जाता है। आप इस प्रमेय से परिचित होंगे, मैं आपके सामने इसको पूरी तरह से सत्यापित नहीं कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं पाठ्य पुस्तक से। आइए इसका इस्तेमाल इस प्रश्न को हल करने के लिए करें। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो इस प्रश्न में फलन दिया है वह फलन का मान अगर हम उसे जी एक्स से इंगित करें तो वह है ई के घात एक्स, क्योंकि यहाँ हमने जो e के घात यादृच्छिक चर x को किया है तो फलन का मान है, तो हमारा फलन का मान e के घात x है। तो इसके प्रतिलोम फलन का हमें निर्धारण करना होगा इस ऊपर लिखी हुई प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए इच्छित प्रायिकता घनत्व फलन का गणना करने के लिए।
तो आप ये देख सकते हैं कि इसका प्रतिलोम फलन हम इस प्रकार लिख सकते हैं, y बराबर होगा, मान अगर हम फलन के अंदर प्रतिलोम फलन अगर y का रखें तो आप देख सकते हैं ये फलन एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास y का ही मान बचेगा। अब हम देख सकते हैं कि प्रतिलोम फलन जो जो कि फलन है हमारे पास वह है जो दिया हुआ है e के घात x, तो हम इसी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको लिख सकते हैं e के घात फलन का प्रतिलोम और जहाँ पे y का मान रखा गया है। तो आप देख सकते हैं x को हम उसके प्रतिलोम से भी इंगित कर सकते हैं, y के प्रतिलोम से कर सकते हैं, तो ये इस्तेमाल हमने कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो फलन है अगर हम यहाँ पे ये जो जो प्रतिलोम फलन है वह बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं उसका मान log y होगा। इस दशा में आप देख ही सकते हैं कि इसका मान log y होगा। तो हमने प्रतिलोम फलन की गणना कर ली और अब हम फलन को निकालने के लिए पहले हमें इसका अवकलन भी करना होगा। प्रतिलोम फलन का अवकलन क्या होगा, तो इस आप देख सकते हैं अब प्रतिलोम फलन का अवकलन एक स्थिरांक नहीं आता है जैसा कि पहले के संबंध में आया, इसलिए हमने इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया फलन की गणना करने के लिए और मूल परिभाषा से ही उस फलन का हल आपके सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ देख सकते हैं कि log y का अवकलन जो होता है उसका मान एक भाग y आएगा, या आप इससे परिचित होंगे। तो हम इस प्रायिकता को इस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए और हमें ज्ञात ही है कि यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन कैसे प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी फलन में हम x की जगह जो प्रतिलोम फलन है उसका मान log y रखा और ये आप देख सकते हैं कि यह एक घातीय संबंध है प्रायिकता फलन के लिए जो यादृच्छिक चर x के है उसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है ये मान आप देख रहे हैं y का जो कि एक बटा y के रूप में आया है जो कि इस पद के गुणन से प्राप्त हुआ है। बाकी सारे पद किसी भी x यादृच्छिक चर के प्रायिकता फलन से आए हैं और जहाँ पे x का मान हमने y के संबंध में जो प्रतिलोम फलन निकाला है उसके सहायता से रख दिया। तो यह फलन y के रूप में ही इसमें प्रस्तुत है, अतः यह बन जाता है यादृच्छिक चर y का प्रायिकता घनत्व फलन। आप देख ही सकते हैं जो कि x e के घात x है, तो अगर x का मान धनात्मक से ऋणात्मक अनंत तक होगा तो e का मान हमेशा धनात्मक आएगा, इसलिए y का मान हमेशा एक से बड़ा ही होगा क्योंकि प्रायिकता शून्य के लिए परिभाषित नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने गणना कर ली। यह संबंध हम किसी भी अन्य संबंध में प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी तरह का संबंध जो दिया हो हम इस प्रायिकता घनत्व फलन का कर सकते हैं अगर किसी यादृच्छिक चर के किसी फलन का हमें प्रायिकता द्रव्यमान फलन की गणना करनी हो।